क्या जोक चाहिए तुम्हें? देगा मैं क्यों नहीं देगा, ऐसे कैसे नहीं देगा, जिंदगी बर्बाद है तो क्या हुआ, तुम्हें जोक देगा मैं? एक बार नई नई शादी हुई, सुहागरात के अगले दिन जैसे बहू किचन पहुंची, सासू माँ पहुंच गई उसके पास। सासू माँ उसे समझाती है, बेटा मुझे जल्दी ही पोता चाहिए, पहले बोलना चाहिए था ना सासू माँ, मैं लेके आती। जिंदगी बर्बाद हो गया मेरा, साले कुत्तों की जिंदगी। अर्जुन रेड्डी, जस्ट इन केस तुम उन मासूम लोगों में से जिनको नहीं पता अर्जुन रेड्डी कौन है, बायगर तुम जिंदगी में बहुत कुछ मिस कर रहे हो, ट्रस्ट मी ऑन दैट। तो ये वीडियो यहीं छोड़ो, फर्क नहीं पड़ता, लिंक इन डिस्क्रिप्शन, ट्रेलर देख क्या उसका भी अभी के अभी। मैं बताता हूँ अर्जुन रेड्डी का क्यों बात कर रहे, क्योंकि आज एक ट्रेलर लॉन्च हुआ है कबीर सिंह का, तारिक शाहिद कपूर एंड कियारा आडवाणी। हाँ वही लव स्टोरी वाली। हाँ ये फगली आप तुम नहीं हो फगली, चुपे फगली मैं हूँ, तुम बस सेफ रखो, अगली तक मैं ले लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं मेरे को। मैं बता रहा हूँ लाइन मारने की जो लिमिट है ना, तुम्हारी सिर्फ रियल लाइफ तक है। वो तो मैं भी कर सकता हूँ, मैं ऑनलाइन पे फ्लर्ट ले आया हूँ, समझ रहे तुम। और इस पर मैं बोल भी नहीं सकता तेरे भाई में भी जब मैं, क्योंकि लिचड़ों वाली हरकत है। बट अर्जुन रेड्डी, अगर तुम्हें नहीं पता, अर्जुन रेड्डी एक मूवी है, एक कैरेक्टर का नाम है अर्जुन रेड्डी, जो ब्रिलियंट सर्जन होता है, बट उसको प्रॉब्लम है एंगर। मैं बताता हूँ क्या हुआ, मैं बैठ के कुछ कंटेंट ढूंढ रहा था यूट्यूब पे, 2017 की बात है जब ये ट्रेलर एक्चुअली आया था, जब ये मूवी आ रही थी, और अपने आप यूट्यूब ने सजेस्ट किया। ये वो टाइम था जब मैं यूट्यूब कर रहा था, बट मैं दूसरे रीजन के सॉन्ग्स और मूवी ट्रेलर्स के बारे में बात नहीं करता था, इवन अभी भी मैं बहुत सोचता हूँ करने से पहले, क्योंकि बहुत सारे बेवकूफ लोग भरे पड़े दुनिया में, मैं क्या करूं? ये क्या दूसरे निकल जाना तेरे को, ये बंगाली बन जा साले तू, चुप क्या कर, टैलेंट को पूछो सालो, अपनी भाषा पे कब तक रहोगे, यूनाइट करो, एंटरटेनमेंट से यूनाइट नहीं कर पाए तो कहां जाएंगे हम लोग। तो मेरे को वो ट्रेलर सजेस्टेड में आया, और ये तेलुगु मूवी है तो मैंने ऑन किया, अच्छी चीज कैप्शंस अवेलेबल थे तो मैं समझ पा रहा था, और भाई की एंट्री होती है, बाइक चला रहा भाई, सिगरेट पी रहा, मुझे बाइक चलानी भी नहीं आती, मैं कहा यही स्वैग है, ये चाहिए था। फिर भाई गोल कीपिंग कर रहा होता है, सामने वाले बंदे को आवाज मारता है और उसे कहता है भाई गॉड, मैं बता रहा हूँ छोड़ो वीडियो, जाके ट्रेलर देखो बे। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, जब मैंने पहली बार वो ट्रेलर देखा था ना, मैं भाई पागल हो गया, क्या बात, कैसे कैसे बना दिया आपने, क्या बना दिया आपने, मैं लिटरली पागल हो गया था। और मैं वेट कर रहा था, मेरे को पता था ये मूवी कब आ रही है, मैं पूरा डिसाइडेड था मैं ये मूवी देखूंगा, क्योंकि उस टाइम पे ही बाहुबली वाले सीन चल रहे थे, तो सारी मूवी हिंदी डब्बे बन रही थी, बट साले इतने कमीने हैं, इन्होंने हिंदी डब किया ही नहीं। मेरे ख्याल से ये मूवी अभी नेटफ्लिक्स या अमेजोन प्राइम किसी एक पे अवेलेबल है, अगर तुम्हारे पास अकाउंट है जाके जरूर देखना, क्योंकि इंग्लिश सबटाइटल्स के साथ थी। अब मैं कहा इतनी मेहनत कौन करेगा यार हिंदी डब आ जाएगी, नहीं आई। फिर मुझे पता चला कि इसका हिंदी रीमेक बना रहे हैं, और मैं इतना डिसअपॉइंटेड हुआ ना यार, बॉलीवुड एक अच्छी मूवी स्क्रिप्ट के साथ क्या करता है ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। सो मुझे जब पता चला ना कि कबीर सिंह करके हिंदी रीमेक बन रहा है, मैं बहुत डिसअपॉइंटेड था, बट एट द सेम टाइम मेरे को देखना था, स्पेशली अर्जुन रेड्डी का जो कैरेक्टर है वो बैड एस है, वो ब्रिलियंट है, एंगर इशू है, और उसकी जो हरकत है ना वो टिपिकल हमारी हरकत है जब हम गुस्से में होते हैं, और वो रिलेटेबल है। बट तुम्हें पता है ना बॉलीवुड मतलब संस्कार, थोड़ा मेल्टडाउन करेंगे क्योंकि संस्कारी तो सबको होना चाहिए। कॉलेज लाइफ, स्कूल लाइफ में अगर तुमने गुंडागर्दी करी है, स्वैग बना के रखा है ना, तुम्हें प्यार होगा अर्जुन रेड्डी से, और वो जो स्वैग है मुझे पता है बॉलीवुड वाले उसे चाह के भी मेंटेन नहीं कर सकते थे, मेरे को स्ट्रांगली यकीन है नहीं कर सकते वो लोग। और यही रीजन था कि मैं डिसअपॉइंटेड था कि चाहे तुम कोई सा भी एक्टर ले आओ, तुम आमिर खान ले आओ, उस बंदे का कैरेक्टर जो निभाया उस बंदे ने तो मैच नहीं कर सकते। बट फिर ठीक है, मैं कहा देख लेते हैं कब आती है, और उसके बाद बहुत टाइम बाद आज टीजर लॉन्च हुआ शाहिद कपूर का, और पहली चीज लेट मी से मैं थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड हूँ, थोड़ा सा इतना सा डिसअपॉइंटेड हूँ बस, क्योंकि पहली चीज लुक, भाई God, क्या लुक दिया है ना शाहिद कपूर को गुस्से में देखना भाई, एक नंबर कमीने, देखो जाके उसकी एक नंबर ब्रो, ऊपर से जो एटीट्यूड कैरी किया शाहिद कपूर ने थ्रू आउट द टीजर, क्योंकि अभी बहुत छोटा सा टीजर है, अमेजिंग। बट अगेन वही फील्ड कोर्ट वाला जो सीन था जहां पे गोल कीपिंग कर रहा होता है, वो सीन इस टीजर में भी है और उस ट्रेलर में भी है, दोनों देखो तुम्हें एहसास हो जाएगा डिफरेंस क्या है दोनों में। ठीक है, माँ की गाली दी भाई ने, थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट मेरी अभी भी बनी पड़ी है, और वो तभी खत्म होगा जब इसका ट्रेलर आएगा। अगर इन्होंने कैरेक्टर मेल्टडाउन किया होगा तो डेफिनेटली नो है मेरी साइड से, बट अगर इन्होंने कैरेक्टर मतलब 90% भी मेंटेन कर लिया ना,
अर्जुन रेड्डी का बाय गॉड कबीर सिंह को हिट होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि ना ही सिर्फ उनका ट्रेलर अमेजिंग था, वो एक मूवी डिफरेंट लेवल की थी। ऑल द रोमांटिक लव स्टोरी है, और मुझे लव स्टोरीज पसंद नहीं, ये एक ऐसी स्टोरी है जो मैं बैठ के देख सकता हूँ। और जस्ट इनकेस तुम अर्जुन रेड्डी के क्रिएटर्स हो, प्लीज मैं सब टाइटल्स के साथ नहीं देखना चाहता, मैं इतना एफर्ट नहीं मारना चाहता, हिंदी डब डाल देना यार यूट्यूब पे, क्या दिक्कत है, कबीर सिंह देख लेंगे मन होगा तो, वरना हिंदी डब देख लेंगे हम, क्या दिक्कत है, आई लव साउथ इंडियन मूवीज मैन, कम ऑन। सो ये मेरा ओपिनियन है, फील फ्री टू लेट मी नो क्या तुम मेरे साथ एग्री करते हो या तुम डिसएग्री करते हो। और अगर तुमने अर्जुन रेड्डी का ट्रेलर नहीं देखा है, मैं लिंक देने वाला हूं, मैं कबीर सिंह की टीजर की लिंक भी दे रहा हूं और मैं ट्रेलर की लिंक भी दे रहा हूं, अर्जुन रेड्डी की दोनों देखो, दोनों देखो, स्पेशली अर्जुन रेड्डी तो देखो मेरे कहने पे, बिकॉज मुझे प्यार है उस कैरेक्टर से, उस एक्टर से, जो उसने परफॉर्मेंस दी, अमेजिंग गाइस, अमेजिंग। तेलुगु मूवी है बट वी ऑल आर इंडियन ब्रो, और टैलेंट जहां दिखेगा उसे अप्रिशिएशन देनी जरूरी है। सो फील फ्री टू लेट मी नो व्हेन, क्योंकि इसी नोट पे गेटिंग टू मोर का ये एपिसोड इनकम कर रहे हैं, आई होप तुम लोगों ने एंजॉय किया, और अगर एंजॉय किया स्मैश द लाइक बटन, सब्सक्राइब दिस चैनल, और मैं किसी को शाउट आउट नहीं दे सकता क्योंकि मेरा लैपटॉप खुदा पड़ा है, इफ यू डोंट बिलीव मी ना, मैं अपना लैपटॉप ऑन तक नहीं रख सकता, इतने बुरे हाल है मेरे। सो कोई नहीं, दो तीन दिन में वो फिक्स हो जाएगा। सो मैं मिलता हूँ तुमसे कल एक और नई वीडियो के साथ, एंड जस्ट इनके तुम फ्री हो, मैं इंस्टाग्राम पे लाइव स्ट्रीम करूंगा थोड़ी देर के लिए, सो जॉइन मी इन, बातें करेंगे यार, खाली बैठा रहता हूँ, कोई है नहीं बात करने के लिए, फिर बाद में एहसास हुआ मेरे पास तो बहुत सारे लोग हैं बात करने के लिए, उनको कैसे छोड़ दूं मैं, आ जाओ वीडियो चैट करेंगे इंस्टाग्राम लाइव स्ट्रीम में, करेंगे समझ गए, ठीक है, वरना अभी के लिए मैं गोफी आपसे अगली में कल आता हूँ थोड़ी देर में, तब तक के लिए पीस आउट। एंड PS साइड नोट, आई नो छोटी छोटी वीडियो आ रही है या वीडियो मिस हो रही है, क्योंकि मेरे पास एक्चुअली रियल स्ट्रगल चल रही है लाइफ में वीडियो बनाने के लिए, मेरा बैक पेन बढ़ता जा रहा है क्योंकि मैं ये वीडियो अपने PC पे एडिट करता हूँ आजकल, लैपटॉप काम नहीं कर रहा मेरा, तो थोड़ी सी मुश्किलें हो रही है मेरे साथ, कुछ दो तीन दिन का समय दो, सारी चीज़ें प्लान आउट हो जाएंगी, सारी चीज़ें फिक्स हो जाएंगी, मुझे दो तीन चीज़ें करवानी है घर में, जिसकी वजह से मैं मोबाइल से शूट कर रहा हूँ, अपने DSLR से नहीं कर रहा, तो चीज़ें कर रहा हूँ मैं, बट थोड़ा टाइम लग रही है वो करने में, सो ट्रस्ट करो और भरोसा रखो, कर देंगे, सब कर देंगे, टेंशन नहीं है, चिल, चु, 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 आई लव यू। मैं लिटरली आधे घंटे से वेट कर रहा था कि हमारे चाचा जान गाएंगे, नहीं गाए जैसे रिकॉर्डिंग हो चाचा शुरू, सच में जिंदगी बर्बाद हो गया मेरा, हो गया बंद, हो गया बंद, लैपटॉप इतना खराब है कि मैं लिटरली खोल के नहीं रख सकता ये। गाने कैसे कैसे थे बे, मतलब कितना सही गाना था, मैं बुरा नहीं कर रहा, वो गाना सुना तुमने, ABCDEFGHIJKLM सुना ही होगा, क्योंकि बचपन में पूरा मतलब लिटरली A to Z मैंने याद ही ऐसे किया था कभी आने गाना शुरू मन में, आयरनी देखना, जब Z आता है तो उसके बाद आता है तुम भी गाओ, और ड्राइविंग कौन कर रहा होता है, मैं कुछ नहीं बोल रहा, आयरनी है यार वो गाना था एक अरिजीत सिंह का, तुम साथ हो या ना हो क्या फर्क है, और जब गाता है ना अरिजीत सिंह, दिल के टुकड़े हो जाते हैं हजार जबकि कुछ है भी नहीं मेरे साथ सीन, फील आती है बहुत तगड़ी, सुनी तुमने, नहीं क्या बकवास कर रहा हूं मैं डिलीटेड सीन बनाने के लिए जिंदगी बर्बाद हो गया मेरा एक तो इंस्टाग्राम से परेशान हूं मैं साले, पता नहीं लोगों को क्या मजा आता है, वो खाने की फोटो अपलोड करते हैं, अरे मान लिया तुम अगली हो, मैं भी अगली है, मैं अपनी फोटो अपलोड नहीं कर पाता यार बट खाना कौन अपलोड करता है, और जस्ट इनकेस तुम उन लोगों में से ना जो खाने की फोटो डालते हैं इंस्टाग्राम पे, बाय गॉड दिल से बद्दुआ दे रहा हूँ, कब्ज हो जाएगा सालो तुम्हें, मैं दिन में कुछ नहीं खाता, इंस्टाग्राम पर खाना पाना चुपच कब्ज होगा बेटा, देखो बाबा चूरन लगाना पड़ेगा तुम्हें, बाबा सिर ना हो जाए तुम्हें खाओगे बहुत गंदा एक तो क्रश लोगों को समझ में नहीं आता, ये मजे लेने के लिए होता है उनको पता, मतलब देखो ऐसा नहीं है लड़कियों से छुपा रहता है, लड़कियों को पता रहता है इसको क्रश है मेरे ऊपर, और फिर भी तुम्हें चढ़ाने के लिए ना, मेरी शादी में आओगे ना तुम, ऐसे ही मेरे साथ भी हुआ, मेरी क्रश मुझे बोलती मेरी शादी में आओगे ना तुम, ऊपर सख्ती ब्रो सख्ती, हाँ क्यों नहीं आएंगे, दिमाग है तुम्हारी नहीं हमारी शादी बोल पापन हमारी, और ठीक है मान लिया गरीब हूं, और ये भी सच है कि पैसों से प्यार नहीं मिलता, पर पैसों से समोसे मिलते बहन की आंख, समोसे इंपॉर्टेंट है। आज का ज्ञान, वक्त वक्त की बातें हैं, आज आपका है तो उड़ लीजिए, कल हमारा होगा सीधा उड़ा देंगे, बायगढ़ से थीम बैग में मजा, क्या बकवास कर रहा हूं मैं।
वीडियो खत्म, लाइक तो कर दो, करना है वो तो सब्सक्राइब भी तो कर लो। ना मेरा ज्ञानी 2.0 करता हूँ मैं डेली वीडियो ऑडियंस।